वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के अटेसेक्स में और रुख करते हैं बिहार की तरफ। 2017, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, 2017 बिहार एसएससी ने एक वैकेंसी निकाली 34,540 पदों के उन सहायक शिक्षकों की, जिसकी वैकेंसी की प्रक्रिया करने के बाद उस वैकेंसी पर रोक लगा दी गई हाईकोर्ट के द्वारा। हाईकोर्ट ने रोक लगाया तो ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस मामले की पूरी जांच हाईकोर्ट तक करके ही इसको खत्म की जाए, ये उतना बड़ा मामला नहीं है। इस मामले पे फिर ये केस जो है वो हाईकोर्ट आ चुका था। अब आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों कि 34,540 पदों की जो वैकेंसी निकाली गई थी उसके लिए उस समय 1,23,149 कैंडिडेट ने आवेदन किए थे और उनमें से 32,327 अभ्यर्थियों ने सेवा के लिए योगदान दिया। जी हाँ, यानी कि 32,000 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया इस वैकेंसी को लेकर। उसके बाद बचे पद थे दोस्तों 2,213 पद। अब ये 2,213 पद में और 32,327 लोगों के जिन्होंने ज्वाइन किया था उनमें से बहुत सारे लोगों ने जॉब छोड़ा भी था, तो कुल मिला के यहाँ पे 3,450 पद रिक्त पड़े हुए थे। इसकी रिक्त पद पड़े हुए जो व्यवस्थाएं थी इनको सूची में लिया गया और इसको बोला गया कि इस पे भी नियुक्ति निकाली जाए। तो अब जाके बिहार एसएससी ने इसका रिजल्ट देने से पहले जिला वाइज स्टार्ट किया है। तो पहला जिला है जिला मोतिहारी, जो कि वेस्ट चंपारण के तहत आता है, वेस्ट चंपारण के जिले में आता है, और यहाँ पे सहायक शिक्षकों की एक सूची बनाई गई, मेरिट लिस्ट दिया गया। इस मेरिट लिस्ट में करीब 66 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन किया गया। ये मैंने एक आपको सार बता दिया इस पूरे वीडियो का। अब आपको वीडियो देखना है तो अंत तक देखिएगा, सारा मामला सामने लेकर आया हूँ आपके लिए। चलिए दोस्तों, कैसे चेक करना है अपने रिजल्ट को ये बताऊंगा, साथ ही साथ आप इसके बारे में सारी चीज़ें जान चुके हैं इसलिए थोड़ा सा डिस्कशन और बाकी है। तो चलिए हम लेकर चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल पे जाएं, चैनल के रेड कलर के बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा अन्यथा कोई नोटिफिकेशन आप तक नहीं जाएगा। लगातार हर वो अपडेट जो कि आपके बिहार से जुड़ी हो, चाहे वो जॉब से हो चाहे आपके शिक्षा से हो, हम लेकर आते हैं आपके लिए वो न्यूज़ खबरें सबसे पहले आप तक। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इस वैकेंसी को यहाँ पे अब शुरुआत कर दी गई है, जो कि जिला मोतिहारी के ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको पब्लिश किया गया है। इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, ईस्ट चंपारण मोतिहारी का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग यहाँ से डायरेक्ट आ सकते हैं। नोटिस वाले सेक्शन पे आइएगा, यहाँ पे रिक्रूटमेंट वाले पेज पे देखिए, लिस्ट ऑफ 66 कैंडिडेट रिकमेंडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर। ये असिस्टेंट टीचर यानी कि सहायक शिक्षकों की जो रिक्त पद थे करीब 3,450, मैंने क्या कहा आपको, 34,540 में से 3,450 ऐसे स्पेशल कैटेगरी के, ये बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा इसको लिए जाना है इस वैकेंसी को, जिसमें कि मोतिहारी यानी कि वेस्ट चंपारण ने अपने 66 पद की रिक्तियां निकाल दी हैं, जिनको यहाँ पे काउंसलिंग के लिए आमंत्रण किया गया है। अब ये वो 66 कैंडिडेट जाके अपना काउंसलिंग करेंगे। डेट क्या होगी आपकी काउंसलिंग की तो इसका मैं बताऊंगा। नीचे आइए जरा, यहाँ पे ये आपका एक पीडीएफ दिया हुआ है, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने थे, चलिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पे, और डाउनलोड करने के बाद सारा डिटेल आपको यहाँ से देते हैं। दोस्तों मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है आप सभी के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूर्वी चंपारण मोतिहारी, और आपको बता दें कि ये देखिए यहाँ पे उस वैकेंसी के बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पे 34,540 कोटि के सहायक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति हेतु 66, ये यहाँ पे करीब 66, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है 66, ठीक है, और ये 66 अभ्यर्थियों की सूची निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना के ज्ञापन संख्या 1136 के तहत 30 अगस्त 2019 द्वारा जिले को उपलब्ध कराई गई है तथा नियुक्ति के पूर्व आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करने के संबंध में दिशा निर्देश किया गया है कि क्रम में संलग्न सूची अभ्यर्थियों के काउंसलिंग हेतु निम्न रूपेण कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है तथा संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि काउंसलिंग जो निर्धारित की गई है उसके वांछित कागजात लेकर समय पर पहुंचना अनिवार्य है। तो जिनका भी यहाँ पे नाम है इस लिस्ट में, आप लोग वो कहाँ पे जाना है आपको काउंसलिंग के लिए, तो ये वो जगह है जहाँ पे वेन्यू है जहाँ पे आपको ये जाना है,
काउंसलिंग के लिए सत्यापन करने एमजे के प्लस टू हाई स्कूल मोतिहारी, जो कि मोतिहारी टाउन थाना के सामने है। और आपको आगे चलते हैं, यहाँ पे समय है यहाँ पे 11 बजे से लेकर 4 बजे तक आपका ये पूरा काउंसलिंग होगा। कब से कब तक? तो 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को, ये दो दिन चलेगा। रोल नंबर वाइज यहाँ पे कॉल किया गया है, ठीक है, 1 से लेकर 33 तक आपको जाना है और 34 से लेकर 66 तक जो कैंडिडेट हैं वो दूसरे शिफ्ट में जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि सभी शैक्षणिक पात्र अपने लेकर जाएं, जैसे कि आपका 10th से लेकर ग्रेजुएशन या मास्टर तक की जितनी भी डिग्रीज हैं उसका 2-2 फोटोकॉपी लें, उसको सेल्फ अटेस्टेड करें, उसको लेकर जाएं। आधार कार्ड का भी 2 फोटोकॉपी ले लें, उसको सेल्फ अटेस्टेड करें, लेकर जाएं। उसके साथ अपना आधार कार्ड ओरिजिनल भी लेकर जाइएगा। जाति प्रमाण पत्र जो कि 2 फोटोकॉपी मांगा गया है, सेल्फ अटेस्टेड वो भी मांगा गया है, तो ये भी बनवा लें अगर नहीं बनवाया है अभी तो आप लोगों ने। पासपोर्ट साइज 3 फोटोग्राफ लेकर जाना है। उपर्युक्त अतिरिक्त अन्य कागजात जो कि आयोग विभाग के अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया जाता है उसको स्वप्रमाणित करके यहाँ पे लेकर जाना है, ओके। अब रही बात आपके जितने भी प्रमाण पत्र यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसमें अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका अवैध पाया गया यानी कि गलत पाया गया तो वहाँ से आपको बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ हो सकता है कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सके, तो ऐसा बिल्कुल गलती मत कीजिएगा। ये सूचना जो है आपको एमजे के उच्च विद्यालय जो मोतिहारी है वहाँ पे जाके आपको सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करना है 15 और 16 अक्टूबर को, या यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपलोड किया जाएगा, इसके लिए आपको ऑफिशियली बताया जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे ऑफिशियली कुछ बताया नहीं गया है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में सारी डिटेल दी गई है कि जो विज्ञप्ति निकाली गई थी दोस्तों 210/2010 के तहत जो 34,540 सहायक शिक्षकों के पद पर पूर्व में हुई नियुक्ति के क्रम में अवशेष रह गए रिक्त पदों की नियुक्ति हेतु आयोग के द्वारा इस भर्ती को भरा जा रहा है। देखिए 34,540 में 32,327 पोस्ट ले लिए गए हैं, 2,213 पद खाली थे और 32,000 में से कुछ स्टूडेंट ने जॉब को छोड़ा, तो ये कुल मिलाकर जो वैकेंसी बची हुई थी 3,450 यानी कि 3,450 पोस्ट बचे हुए जिसकी ये वैकेंसी की प्रक्रियाएं चल रही हैं। और इसके लिए इन्होंने एक लिस्ट तैयार किया है जिस लिस्ट में इन्होंने इनको बुलाया है, आप इस लिस्ट को देख सकते हैं। यहाँ पे इनका एप्लीकेशन आईडी है, डेट ऑफ बर्थ है, ट्रेनिंग टाइप है, सेशन है ना, ट्रेनिंग टाइप यानी कि आपने अगर 2 साल का कोई कोर्स किया है ना टीचर का, या फिर आपने बीएड किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेशन कौन से तक का है आपका, देखिए बहुत सारे लोग पुराने हैं यहाँ पे, 1978 का ही सेशन और 1980 का सेशन में इन्होंने बीएड किया है उनको यहाँ पे ज्वाइनिंग दी जा रही है, तो ये एक बहुत बिहार के लिए तो बुरी खबर है ही कि इतने दिनों तक शिक्षा की बहालियों को रोका जाएगा है। मैं आशा करता हूँ कि जो 2019 की वैकेंसी आएगी वो जल्द से जल्द समाप्त करके उनको यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाएगा, आशा करते हैं, है ना। ये सारी डिटेल चेक कीजिएगा मोतिहारी के वो छात्र सभी, और आप लोग प्लीज़ ये मोतिहारी के अगर ग्रुप में कोई स्टूडेंट हैं आपके या फिर ऐसे लोग हैं आपसे जुड़े हुए तो उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों का ये भला हो सके, है ना। मैं तो अपनी तरफ से ये पूरी प्रक्रिया कर लिया हूँ कि मैं अपना तरफ से एक वीडियो बना के उनको भेज रहा हूँ ताकि ये सारी खबर उन तक पहुँच जाए, ठीक है। अब इन सभी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा अच्छे से और सारी जानकारी लेकर सारे डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करके 15-16 अक्टूबर को कहाँ जाना है, एमजे के प्लस टू हाई स्कूल जो कि टाउन थाना के सामने है, वहां पे जाके अपना सारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना है और यहां पे काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग होने के बाद आपको यहां पे नौकरी दी जाएगी इन 66 कैंडिडेट को। बाकी यही सारी प्रक्रियाएं जो है यहाँ पे बताई गई है इस सूची में, तो इसको भी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रमाण पत्र आपके सारे ओरिजिनल होने चाहिए और शैक्षण प्रमाण पत्र भी ओरिजिनल होने चाहिए, ठीक है। और बाकी फोटोकॉपी लेकर जाना है 2-2, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, कोई भी डाउट होता है आप लोगों का तो आप लोग देखिए यहाँ पे नंबर दिया गया है, मोबाइल नंबर, इस नंबर पे कॉल करें, संपर्क करें इन लोगों से। हाँ, बशर्ते कि ध्यान रखिएगा आप लोगों से कोई पैसा अगर डिमांड करे तो प्लीज़ यहाँ पे सीधी इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये वैकेंसी अभी चल रही है और इसके लिए हो सकता है कि लोग पैसे मांगेंगे आपसे, है ना। तो पुरानी वैकेंसी है ना, इसका कोई लेखा जोखा नहीं रह रहा है ना, तो ऐसा हो सकता है आप लोगों के साथ, पर आप लोग बिल्कुल ही उसको निरस्त कीजिएगा क्योंकि सरकार का आदेश है। अगर आप लोग ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं साथ देते हुए तो आप लोग तो जाएंगे ही जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स भी जाएंगे। इसलिए प्लीज़ आप लोग इस नंबर पर कॉल करें, सारी जानकारी लें, साफ सुथरी जानकारी लें, और यहाँ से ईमेल करके भी आप लोग सारा डिटेल ले सकते हैं इनसे कि इस प्रक्रिया के बारे में। जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण की तरफ से ये नोटिस निकाला गया है और ये वो 66 कैंडिडेट का लिस्ट जो तैयार किया गया है उनके एड्रेस के साथ और उनके पते के साथ, और उनको बुलाया गया है कि आइए यहाँ पे आप
ज्वाइन कीजिए हमारे इन सहायक शिक्षकों को पदों के लिए। तो ये रिजल्ट था, ये मेरिट लिस्ट था, ये जारी किया गया है और काउंसलिंग डेट बता दिया मैंने आपको, 15-16 अक्टूबर है। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था, हमारे साथ आप बने रहें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।